नमस्कार मित्रों, आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ अपनी नई टीम का गठन कर रही है। दिल्ली की जानी मानी संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी पिछले 15 वर्षों से देश हित में कार्य कर रही है। नारायणा में इसका हेड ऑफिस है और यहीं से ही सभी कार्य किए जाते हैं। इसमें 45,000 वॉलंटियर्स हैं और 52 शाखाएं हैं पूरे दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ संजीवनी तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए कई बार नेत्र जांच शिविर लगा चुकी है, स्वास्थ्य जांच शिविर लगा चुकी है। उनके जरूरत का उनको सामान प्रोवाइड करना, ये सब इंद्रप्रस्थ संजीवनी करती रही है। दिल्ली पुलिस के साथ लगभग 100 से भी अधिक मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं सीनियर सिटीजन के लिए, जहां पे ह्यूज संख्या रही है। 2200 सीनियर सिटीजन भी रहे हैं और हमने गंगाराम के माध्यम से, गंगाराम हॉस्पिटल और बीएल कपूर मैक्स की सहायता से हमने वहां पे मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करे हैं। भारत सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन। दोनों में लगातार पिछले 10 वर्षों से कार्य चल रहा है। नमामि गंगे के अंतर्गत हमने अभी तक 8 लाख से भी अधिक गंगा जल की बोतलें बांटी हैं। गंगा जल की बोतल बांटने का मकसद ये है कि लोगों में एक गंगा के प्रति आस्था बढ़े और नमामि गंगे योजना को बल मिले। स्वच्छ भारत मिशन में भी लगातार हम लोगों को जागरूक करते रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ वीडियो में दिखाया था कि 12 दिन तक लगातार सुबह से लेकर रात तक हमने स्वच्छ भारत मिशन में लोगों को जागरूक करा। इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा 70 विधानसभा 70 मुकाम, जिसमें हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, देश के पूर्व अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी का आशीर्वाद रहा, तो ये कार्यक्रम सफल हो पाया। अभी जैसा कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जब महिलाएं जुड़ती हैं तो वो महिलाओं की इच्छा होती है कि हम महिलाओं के लिए कुछ करें। युवा जुड़ता है तो वो कहता है मेरे को कुछ यूथ के लिए करना है। तो उसके लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक महिलाओं का ही एक विंग बना दिया है, जिसका नाम हमने निर्भय वुमेन टीम रखा है, जिसमें किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का अगर कोई सहायता चाहिए होगी तो निर्भय वुमेन टीम की सारी महिलाएं जो हमारी सदस्य होंगी वो उनकी मदद करेंगी। उसी तरह हमने युवाओं के लिए कि युवा नशे की ओर ना जाए और भारत के संस्कारों को ना भूले, उसके लिए स्वामी विवेकानंद यूथ टीम का गठन किया है, जिसमें कई ऐसे नौजवान साथियों को इसमें जोड़ा है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया। वो कई राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे। हम कई राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं कि भी हमें आगे बढ़ना है, समाज सेवा में हमारे को एक ताकत मिले। बट कई जगह पर राजनीतिक दल जिनका हक बनता है उनको वो नहीं दे पाती है कई बार, और लगता है उनको कि भी हम हताश हो गए हैं। तो ऐसे नौजवान साथियों को मैं बोलूंगा, हताश होने की जरूरत नहीं है। काम करने के और भी बड़े तरीके हैं। समाज सेवा अगर आपके मन में है तो आप कहीं पर भी एनजीओ के माध्यम से, राजनीतिक दल के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। तो ऐसे कई मैंने नौजवानों को अपने साथ स्वामी विवेकानंद यूथ टीम में जगह दी है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कंडक्ट करी है, आपको यहाँ पे निमंत्रण दिया है, वो हम अपनी दिल्ली प्रदेश की आज हम एक टीम का गठन कर रहे हैं, जिसकी सूचना देने के लिए आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। इसमें कुछ जो हमारे पूर्व साथी हैं, जो हमारे साथ पिछले 3 वर्षों से लगातार इंद्रप्रस्थ संजीवनी में काम कर रहे थे, उनको कुछ लोगों को हमने पैटर्न बना दिया है, हमारी संस्था के संरक्षक बना दिया है, और कुछ जो है नए लोगों को हमने जोड़ा है। ये वो लोग हैं जो पहले इंद्रप्रस्थ संजीवनी में कार्य कर चुके हैं, फाउंडर रहे हैं, बट बीच में किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, अब वो दोबारा जुड़े हैं।
टीम की घोषणा करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, हमने कुछ उपाध्यक्ष जो नियुक्त करे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री आकाश अरोड़ा, देवेंद्र सिंह सेठी, जगदीप सिंह, तुषार अग्रवाल, नसीम अख्तर, संजय सिंगला, सरदार बलबीर सिंह, संजय जैन एवं डॉक्टर बलजिंदर सिंह, ये हमारे उपाध्यक्ष रहेंगे। महासचिव के रूप में श्रीमती रश्मि मल्होत्रा कार्य देखेंगी। सह सचिव के रूप में श्री राहुल शर्मा, श्रीमती पूनम मेहता, श्रीमती पूनम पूजा ठाकुर, रेशमा जायसवाल, सरदार हरप्रीत सिंह, सागर सेन व संदीप अरोड़ा इसमें सह सचिव के रूप में कार्य करेंगे। कोषाध्यक्ष के रूप में श्री अमन कालरा, कार्य पहले भी देख रहे थे अभी वही देखेंगे। निर्भय वुमेन टीम में जो हमने महिलाओं के लिए एक टीम बनाई है उसमें प्रतिमा सिंह, एडवोकेट मोनिका जैन व कमलेश प्रकाश जी संयोजक के रूप में कार्य करेंगी। इनका कार्य होगा कि और महिलाओं को जोड़ना और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उनको सहायता देना। जैसा कि कई महिलाओं के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो अपने घर परिवार में भी ना बता सके, तो वो डायरेक्ट हमें अप्रोच करे, हम उसकी सहायता करेंगे। अगर वो चाहेगी कि मेरा नाम आगे ना आए और किसी के खिलाफ वो कंप्लेंट करे तो उसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। ये जो भी एक्शन होंगे हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलके काम करते हैं, हम वहां से सहायता ले सकते हैं। हम दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी सहायता ले सकते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद यूथ टीम जो युवाओं के लिए बनाई गई एक टीम है उसमें श्री नितिन शर्मा, कुंदन कुमार व आशीष पांडे को हमने संयोजक के रूप में काम दिया है। तो ये आज कुछ ऐसी टीम बनाई है। और इस टीम में अलग ये है कि हर वर्ग की महिला को इसमें हमने स्थान देने का प्रयास करा है। सर एक सवाल करूंगा, जैसे महिलाओं के लिए आपने प्रकल्प शुरू किए हैं तो राजधानी दिल्ली में जगह जगह इस प्रकल्प को पहुंचाने के लिए क्या योजना बनाई है, कैसे महिलाओं तक पहुंचे वो अब तक आया? आज जो सोशल मीडिया है वो बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। इवन मैं कई न्यूज में देखता हूँ, कई न्यूज चैनल्स में देखता हूँ कि वो भी न्यूज चैनल्स में कुछ ऐसे सोशल मीडिया के वीडियोस दिखाते हैं जो वायरल हो रहे होते हैं। तो हमारा प्रयास ही रहेगा कि सबसे पहले जो भी महिला इसमें जुड़े वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। जो संयोजक के रूप में कार्य कर रही हैं उनमें एक एडवोकेट भी है जिसको पूरी जानकारी है महिलाओं के कानून के बारे में। और इसके अलावा जहां पे भी कोई समस्या अगर किसी महिला को होती है और वो हमारी महिला संयोजक से संपर्क करते हैं तो मैं आश्वस्त उनको करना चाहता हूं, मैं आश्वासन देता हूं उनकी तरफ से कि वो पूरा आपको सहायता करेगी। तो युवक की टीम बनाई है, आपने कहा नशे की तरफ ज्यादा युवा जा रहे हैं तो उसके लिए जो संपर्क रहेगा वो उसके अलावा और भी प्रकल्प चलने वाले हैं? ना केवल नशा मुक्ति के लिए इंद्रप्रस्थ संजीवनी कार्य करेगी बल्कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको किस तरीके से हम रोजगार दे सके उसके लिए भी हम सहायता उनकी करेंगे। अगर उनको कोई जॉब्स की प्रॉब्लम होगी तो हम रोजगार मेला लगाएंगे। हमारे जो संपर्क हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ संजीवनी नारायण इंडस्ट्री एरिया में कार्यरत है तो इंडस्ट्री एरिया में ही लगभग 5,000 से भी अधिक फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे रोजाना कोई ना कोई जॉब्स निकलती हैं। हम कोशिश करेंगे यहीं के ही जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं उनको इन्वाइट करा जाए एक बैंक्वेट में, और बेरोजगारों को भी इन्वाइट किया जाए, वहां पे हम उनको जॉब्स देने का भी कोशिश करेंगे। सर बात करें दिल्ली की तो आपके सैकड़ों प्रकल्प चल रहे हैं, ऐसी अलग स्टेट में भी योजना बन रही है या दिल्ली को केंद्र बना रखा है? पूरा भारत और पूरा दिल्ली एक समान है। जिसने दिल्ली में कार्य कर लिया उसने पूरे भारत में कार्य कर लिया, जिसने दिल्ली में अपना नाम कर लिया उसका पूरा भारत भारत में नाम हो गया। अभी तक हम 17 वर्षों से दिल्ली में ही कार्य कर रहे हैं और पूरे भारत में इंद्रप्रस्थ संजीवनी फेमस है। वो इसलिए क्योंकि हम इंद्रप्रस्थ संजीवनी दिल्ली में ईमानदारी से कार्य कर रही है। सर जो आपने दो टीमों का गठन किया है अभी, एक महिला सुरक्षा को लेकर और दूसरी जो है नशे को लेकर तरीके से कहा जाए तो इसकी जो सोच है वो विचारधारा आपके अंदर कहाँ से आई, क्या लगा आपको कि ये जो टीम है आपको एनजीओ जो आपकी है इन
काम अभी भी काम करना चाहिए। जिस तरह जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, उस तरह अगर आज हम एक आंकड़ा लगा के देखें कि एक पुलिस अधिकारी के ऊपर 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों को एक पुलिस वाला तो नहीं देख सकता। तो हमारी जो एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, 45,000 सदस्य अगर इंद्रप्रस्थ संजीवनी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो हमने ऑफिस बेरर जी बनाए वो भी 21-22 लोग बनाए, और एक लंबी एक सूची हमने छोड़ दी पीछे। वो इतने लोग हैं कार्य करने के लिए, तो ऐसे में उन लोगों को भी अगर कार्य मिलेगा तो उससे समाज का विस्तार होगा, इंद्रप्रस्थ संजीवनी का विस्तार होगा, और कहीं हद तक जो युवा भटक रहे हैं उनको हम एक रास्ता दिखा पाएंगे, जो महिला डर के घर बैठी है उसको हम एक नया रास्ता दिखा पाएंगे। दिल्ली की जनता को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे तो आप? जिस तरह इंद्रप्रस्थ संजीवनी पिछले 15-16 वर्षों से कार्य करती रही है, आगे भी भविष्य में करती रहेगी, आपको किसी प्रकार कोई भी मदद की आवश्यकता हो, इंद्रप्रस्थ संजीवनी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, ipsngo.in, ipsngo.com, और इसके अलावा जस्ट डायल पे भी इंद्रप्रस्थ संजीवनी रजिस्टर्ड है। जस्ट डायल पे भी आप डायल करेंगे और आप बोलेंगे कि वुमेन एनजीओ फॉर वुमेन, एनजीओ फॉर एनवायरमेंट, एनजीओ फॉर सीनियर सिटीजंस, तो इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने वहां सभी जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। किसी भी महिला को अगर हमारे साथ जुड़ना होगा तो वहां से संपर्क करके भी आ सकती है, नहीं तो वेबसाइट से भी देख के। हजारों फोन आज भी आते हैं और आज भी लोग जुड़ रहे हैं।